भाई हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारनौल के बदलते समीकरणों को देखकर सभी हैरान हैं, क्योंकि नारनौल विधानसभा की सीट को लेकर पूरे हरियाणा में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के समय यहां भाजपा की हार के बाद यह तय मान लिया गया था कि यहां भाजपा प्रत्याशी हारेंगे, इसीलिए एक हारी हुई बाजी को जीतने के लिए कैप्टन अभिमन्यु को मैदान में उतारा गया। और कमाल की बात तो ये है कि अपनी शानदार रणनीति और टीम के दम पर वोटिंग आते आते उन्होंने इसे इस लेवल पर ला दिया है कि अब यहाँ 5 से 10 हजार वोट से कैप्टन की जीत तय मानी जा रही है। तमाम तरह के रुझानों में भी कैप्टन की जीत को दर्शाया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा प्रत्याशी के प्रति नारनौल की जनता ने एक गुस्से का इजहार किया था, जिस कारण इस विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से बड़ी लीड मिली और भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को बड़ी हार। फिर जब तमाम तरह की नेगेटिव चर्चाओं के बीच जब कैप्टन अभिमन्यु भाजपा की टिकट लेकर आए तो चर्चा थी कि यहां से कांग्रेस की ही जीत होगी। प्रचार की शुरुआत की तो कैप्टन अभिमन्यु को कुछ जगह पर उठाने भी मिले, लोगों ने नाराजगी भी जताई, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने अपने स्वभाव के अनुसार सारे उठाने सिरमाथे लिए, लोगों के बीच जाकर बात की, उन्होंने अपनी गलती भी मानी और इसी तरह से वो प्रचार करते हुए उठे हुए लोगों को मनाने में काफी हद तक सफल रहे। गौरतलब है कि अपने पिता का साथ देने सात्विक सिंधु ने भी युवाओं के बीच पहुंचकर काफी मेहनत की। उन्होंने अलग अलग युवा मंडलियों से संपर्क किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनके समाधान के बारे में बात की, चौपाल से लेकर खेल मैदान तक उनके साथ समय बिताया, जिसके बाद युवाओं ने उनका साथ देने का फैसला किया। कई पंचायतों ने भी सात्विक सिंधु को बुलाकर आशीर्वाद दिया है। दरअसल नानो धरके में कप्तान के द्वारा करवाए गए काम और सरकार में उनके बड़े कद ने भी लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है। वहीं कप्तान अभिमन्यु का चुनाव मजबूत होने के पीछे एक कमजोर कड़ी खुद कांग्रेस प्रत्याशी हैं। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी जब मैदान में आए तो कांग्रेस की लहर का असर होने के चलते एक काफिला उनके साथ नजर आया। जैसे जैसे उनका प्रचार आगे बढ़ता गया, नानों के लोग उनसे पीछे हटते चले गए। उनके समर्थक की कुमारी सैलजा को लेकर की गई चिट्ठी पर लोगों की भावनाएं आहत हुई। एससी वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक टूट गया। उनका हुड़दंग टाइप प्रचार भी नानों के मतदाताओं को पसंद नहीं आया। मतदाता कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों की तुलना करने के बजाय अब प्रत्याशियों की तुलना करते हुए दिखाई दे रही। शुरुआत में कांग्रेस के प्रति कट्टर नजर आ रहे लोग अब धीरे धीरे कैप्टन के साथ जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। वहीं प्रचार के आखिरी दिन पेटवाड़ गांव की ही बड़ी कांग्रेस नेत्री सोनिया धुवन के साथ मंच पर जो बदतमीजी की गई, उससे नानो के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि अगर इतने बड़े मंच पर इतनी सशक्त महिला के साथ भी ऐसा हो सकता है तो फिर आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि जस्सी की रैली में एक युवा समर्थक की मौत के बाद रैली को रोका तक नहीं गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने उनके घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई, इस युवा के परिवार को संवेदना के चंद शब्द भी नहीं कहे, जिससे जस्सी के समर्थक भी सकते में हैं। इस घटना ने भी जस्सी के वोट तोड़ने का काम किया है। ऐसे में अब देखना यह है कि उनके समर्थकों की ये नाराजगी उन्हें चुनाव में कितने वोटों से लेकर बैठी है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।